खबर यह है कि पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी करप्शन केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। ख्वाजा बरादरान के नाम ईसीएल में डाल दिए गए हैं। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के नाम ईसीएल में डाल दिए गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बताएगा, दोनों के नाम शामिल कर लिए गए हैं ईसीएल में? जी बिल्कुल आशाना इकबाल, हाउसिंग स्कीम में जो है कासा डेवलपर की फ्यूचर बेनिफिशरी जो है वो उस पैरागॉन हाउसिंग स्कीम की, और इसका केस जो है नैब में चल रहा है और नैब ने जिस तरह आज बड़ी गिरफ्तारी की तो उसके बाद फौरी तौर पर जो है इनके नाम ईसीएल में डालने की दरख्वास्त की थी। जो आज जो है वो दोनों के नाम ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के नाम ईसीएल जो है उनमें इनकी फहरिस्त में डाल दिए गए हैं। और जरा ये बता रहे हैं कि शायद इनकी भी गिरफ्तारी जो है वो भी मतवक्के नजर आती है और इसके इम्कान नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सुबह से मामला चल रहे थे कि जो ऐसे पैरागॉन सिटी केस में जो है वो ख्वाजा बरादरान को 16 अक्टूबर को तलब किया गया है, लेकिन हो सकता है कि कल भी जो है इनको हंगामी तौर पर जो है इनके हवाले से इनकी गिरफ्तारी के अमल से कुछ हो सकता है कि कुछ इसके हवाले से पेशरफ सामने आए, लेकिन अभी खिलवक जो है वो कबल का वक्त जो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब जो ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के नाम ख्वाजा बरादरान के नाम ईसीएल की फहरिस्त में शामिल कर दिए गए। जी शुक्रिया आपका हसन रजा।